दोस्तों क्या आप जानते हैं तांबे के पात्र में पानी भरना और उसी से पानी पीना क्यों गुणकारी माना गया है? तो चलिए आज इसका रीजन जानते हैं। दोस्तों तांबे के पात्र में पानी भरने पर तांबे की सतह में जो Cu++ नाम का आयन होता है वो धीरे धीरे पानी में घुलने लगता है और पानी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उनके कोशों की सतह नेगेटिव ऊर्जा वाली होती है। तो ये जो पॉजिटिव ऊर्जा वाले आयन जो है वो नेगेटिव ऊर्जा वाले बैक्टीरिया को अपने ओर आकर्षित करते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें मारने लगते हैं और इसी तरह से 4 से 5 घंटे तक ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। 4 से 5 घंटे के बाद जो पानी बचता है वो बिल्कुल ही शुद्ध होता है और इसी तरह से पानी बिल्कुल ही शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों पहले के समय में हमारे संत वैज्ञानिक भी अपनी हर दैनिक क्रियाओं में तांबे के पात्रों का ही प्रयोग करते थे। दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि अगर इसे शरीर पर पहना जाए तो फैटी एसिड के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट नामक क्षार बनकर हमारे शरीर के अंदर जमा होती है और सर्दी की ऋतु में ये हमारे हड्डियों के जोड़ों के दर्द से हमें छुटकारा दिलाती है। इसीलिए इसे शरीर पर हम किसी भी रूप में धारण भी कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा रीजन ये है कि अगर इसे शरीर पर धारण किया जाए तो ये हमारे वातावरण के आसपास के पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है और हमें अच्छे विचार करने में सहायता करता है। तो इसीलिए हम इसे शरीर पर धारण कर सकते हैं। दोस्तों ये रीजन जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।